हमारे देश की संस्कृति भी ऐसी है। आप देखो, चलचित्र बनाते हैं या फोटोग्राफ्स बनाते हैं, शंकर भगवान के देखो, श्री कृष्ण जी के देखो, महाभारत युद्ध के पहले का फोटो, फोटो तो इमेजिनेशन से ही किए हैं कि श्री कृष्ण जी कैसे ध्यान में बैठे हैं महाभारत के पहले। हनुमान जी को देखो, एकदम ध्यान में ही हालत में श्री रामचंद्र जी के कदमों में बैठे हैं, और ये चारों लोग मैंने रामायण में फोटोज देखे जब छोटा था तब, परिणत तो नहीं थे लेकिन तो पिक्चर्स देखते थे तो बहुत फोटोज अच्छे लगते थे। तो और मेरे को एक ध्यान कैप्चर क्या किया मेरा ध्यान, कि जब चारों लोग ध्यान करते हैं, श्री राम जी, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी साथ में बैठ के ध्यान, शंकर भगवान की तस्वीर मेरे पिताजी रखते थे घर के आते ही ध्यान में कैलाश ऊपर, ये जो तस्वीर है हजारों वर्षों से अलग अलग फॉर्म में आई है, लेकिन सबका एसेंस जो है भाव तो एक ही है, ध्यान। शंकर जी को क्या जरूरत पड़ गई ध्यान करने की, वो तो देवता है। श्री रामचंद्र जी को क्यों ध्यान की जरूरत पड़ गई, माता सीता को क्यों पड़ी, श्री कृष्ण को क्यों पड़ी जरूरत, किस पे ध्यान करते थे वो? क्यों करते थे, उनको जरूरत क्या थी और किस पे ध्यान करते थे, सोचने की बात है। जवाब मिले या न मिले लेकिन प्रश्न अपने हृदय में बनाए रखो, जिससे हमें मोटिवेट होएंगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए। देव देवियों को जरूरत पड़ गई तो हम मनुष्य, हम तो मात्र मनुष्य हैं। ध्यान की प्रक्रिया से हमारा हृदय मन ध्यानमय हो जाना चाहिए, हमारा स्वभाव भी ध्यानमय हो जाए तब बहुत अच्छा हो जाएगा। सही।